अर्जुन करुण गो जाने माने सिंगर हैं, जिन्होंने कई बेहतरीन गाने दिए हैं। साथ ही वो फिल्मों में एक्टिंग भी कर चुके हैं। लेकिन आज हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके दिए उस बयान के बारे में बात करेंगे जिसने दिग्गज सिंगर केके की मौत पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं इसके साथ ही फैंस केके की मौत पर एक बार फिर आग बबूला हो गए हैं। उनका यह बयान इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर लोग तरह तरह के रिएक्शन देते भी नजर आ रहे हैं। तो अर्जुन ने ऐसा क्या कहा अपने बयान में, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल न्यूज नेशन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। गौरतलब है कि बीते दिनों मशहूर सिंगर केके की मौत हो गई थी, जिसके बाद से उनके फैंस काफी ज्यादा शोक में थे। ये खबर सामने आने के बाद उनके फैंस से लेकर तमाम सेलेब्स ने सिंगर को श्रद्धांजलि दी थी। लेकिन इसके साथ ही उनकी मौत के पीछे एक सवाल भी खड़ा हो गया था, जिसमें कहा जा रहा था कि केके जिस ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहे थे, वहां महज 2000 से 2500 लोगों की कैपेसिटी होने के बावजूद 5000 दर्शक मौजूद थे, जिसके चलते ऑडिटोरियम में सफोकेशन की समस्या भी हो रही थी। जिस पर रिएक्शन देते हुए अर्जुन ने बताया है कि उन्होंने भी वहां परफॉर्म किया है और उन्हें भी उस जगह पर सांस न ले पाने की समस्या हुई थी। कहा, मैंने सुना है कि ऑडिटोरियम में काफी गर्मी थी, मैंने उस ऑडिटोरियम में पहले भी परफॉर्म किया है और मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, गर्मी इतनी थी कि एसी काम नहीं कर रहे थे। इन पुराने ऑडिटोरियम का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ऑडिटोरियम बेहतर होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि क्या प्रबंधक जागरूक थे, और अगर उन्हें पता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें शो बंद कर देना चाहिए था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ एक शो था। अर्जुन का यह बयान सामने आने के बाद केके के फैंस का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है, और उनका कहना है कि मैनेजमेंट की वजह से ही उन्होंने लेजेंड को खो दिया। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।